क्लास 9 का कोन हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है 11.1, है ना। 11.1 में हमारे पास जो कोन है तो वो टोटल एक्सरसाइज किस पे डिपेंडेंट है बेटा? सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया में ना हमारी दो चीजें होती हैं, एक कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व में और टोटल में फर्क क्या होता है? टोटल में हमें सारे पार्ट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं, और कर्व में जैसे मान लिया हमें एक जोकर कैप बनाना है, तो वो अगर अंदर से खाली है जिसमें सर घुसाना है, तो बाकी जो पार्ट है वो तो पूरा किसका बनेगा? या तो कपड़े का या तो पेपर का, है ना। तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ जो पेपर लगाना है वो यहां लगाना है, देखो यहां ऐसे, ये पूरा पेपर बनाना है, तो इसलिए उसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन अगर ये वाला पार्ट जो है ये भी अगर हमें बंद करना पड़ जाए, ये भी अगर बंद करना पड़ जाए, तब वो होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो आपके कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा इस कंडीशन में। किस केस में? कोन के केस में। तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर अगर हम कॉमन ले लें बच्चों यहां से, तो एल प्लस आर बचेगा, दिस विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। तो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्लियर हो गया? उसी पे बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। व्हाट इट इज? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। अब इससे पहले ना, आप जब लास्ट में यहां जाएंगे, जो ये एल है, व्हाट इज इट? ये एल कहां से आता है? एल की क्या वैल्यू होती है? व्हाट इज एल? एल होता है बच्चों यहां ये स्लेंट हाइट। क्या होता है? स्लेंट हाइट, दिस वन। और आर जो होता है दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको अगर एक कोन दे रखा है और उस कोन के अंदर आपको एल निकालना है, तो पहली बात तो जो भी कोन यहां बात करेगा राइट सर्कुलर कोन की करेगा, जिसमें ये रेडियस होता है, ये उसकी हाइट होती है, ये उसकी स्लेंट हाइट होती है। तो जो स्लेंट हाइट होती है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की अगर वैल्यू निकालनी पड़े तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों है? फिर एल क्यों निकालना पड़ेगा? क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, वहां एल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए एल निकालना पड़ेगा, और एल है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो इन सब चीजों को जो बस अभी टोटल सारे फॉर्मूलेज हो गए जो जो हमें यूज करने हैं, तो उन्हीं को यूज करते हुए आगे चलते हैं। तो उसने कहा डायमीटर। तो बेटा हमें डायमीटर तो चाहिए नहीं होता, हमें तो क्या चाहिए होता है? रेडियस चाहिए होती है। तो डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ होता है। अब डायमीटर उसने कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। तो इट विल बी 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां इसको डिवाइड कर देते हैं। तुम लोग क्या करोगे? इसको डिवाइड करके पॉइंटों में ले आओगे? नहीं, इसको एज इट इज रखना है, डिवाइडेड बाई 2 ही रखना है। सबसे लास्ट की जो कैलकुलेशन आती है ना, सिर्फ वहां इनको डिवाइड किया जाता है, इसको ऐसे ही रखना है। उसने कहा इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, तो एल भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है यहां? पाई आर एल होता है। तो हमें पाई आर एल फाइंड करना है। पाई आर एल के लिए अब यहां सबसे पहली बात है कि आपको पाई की कोई वैल्यू नहीं दी। जब पाई की कोई वैल्यू नहीं देता है, तब वहां पाई को हमें 22/7 कंसिडर करना होता है। तो हमने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 10.5/2, और एल की वैल्यू है 10, वहां दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां आप देखना कितना इजी ये सारी चीजें हो जाएंगी। 7 से 10.5 1.5 टाइम्स जाता है, 2 से ये 5 होता है, इसलिए हमने इसको क्या नहीं किया था? डिवाइड नहीं किया था। ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, 22/5 का कितना होता है? 110 इंटू 1.5, इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 15 × 11, तो कितना होता है? 165। देखो सब कुछ सेंटीमीटर में है,
यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो आंसर जो आना है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है यूनिट का स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है आपको, कुछ पूछना है? चलिए सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आपको फाइंड करना है इस बार टोटल सरफेस एरिया कौन का, इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर। स्लेंट हाइट किससे डिनोट होता है? स्लेंट हाइट बेटा एल कितना हो गया? 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24। तो डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस उसका हाफ होगा, 24/2। इसे काट सकते हैं क्योंकि इसको काटने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, सीधा सीधा सा कट रहा है, ठीक है, पॉइंटों वाले नहीं काटने हम। तो रेडियस आ गया आपके पास, स्लेंट हाइट आ गया आपके पास, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं पाई आर एल प्लस आर, जो मैंने फॉर्मूला सिखाया था। देखो यहां पे हमने बात की थी पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है ना बेटा? तो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होते, सारे फॉर्मूले लिख के अपने सामने रखने, उसमें से देख देख के उनको यूज करना है। तो अब यहां वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास एल है, हाँ है, एच है हमारे पास नहीं है, लेकिन एच की हमें जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 22/7 इंटू आर, आर हमारा है 12, इंटू एल प्लस आर, एल है बेटा 21 और प्लस आर है 12, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है? यहां तक सब सही है ना? 22/7 इंटू 12 इंटू 33, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? पॉइंट्स में आएगा। तो फिर हम क्या करें, पॉइंट्स में लाएं या इसे 3.14 रखें, ये हमारे पे डिपेंड करता है, हमें जैसे कैलकुलेशन इजी लगती है हम लोग वैसे करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीनों की मल्टीप्लाई करके। अब हमें बस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि कहीं उसने ये तो नहीं बोला था कि 3.14 लेना, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला था, तो इसलिए हम लोग इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने का आसान सा तरीका सिखाता हूं। पहले 33, अब इसमें से 22 में से आपको 2 लेना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 12 2 24, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। यहां बचेगा खाली 11, 11 की मल्टीप्लाई करने का अलग तरीका होता है, वो भी सीखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो पहले, 3 4 12, 1 कैरी हो जाएगा, फिर क्रॉस करते हैं, 4 3 12, इसकी इधर 3 2 6, 12 6 18 एंड 1 19, फिर इधर मल्टीप्लाई 3 2 6 एंड 1 7, फिर हम इसकी 11 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले डिजिट को एज इट इज रखते हैं, फिर इसको आगे ऐड करते हैं, 2 9 11, 1 कैरी, 9 7 16 एंड 1 17, 1 कैरी, 7 एंड 1 8, तो ये हो गया 8 7 1 2, पूरा मल्टीप्लीकेशन 8 7 1 2/7 आ गया आपका। समझ में आया यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं है किसी को? अब डिवाइड कर लेंगे, 8 7 1 2 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 4 28, 7 4 28, 7 5 35, 7 7 49, तो कितना हो गया बेटा? 1244.57। किस में है सारी चीजें? मीटर में है, तो ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी दे दिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है युवराज? पाई आर एल, वेरी गुड बेटा। तो ये हमें दिया है कर्व सरफेस एरिया 308, इसको यहां लिखेंगे इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हमने लेनी है 22/7 इंटू आर, एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। आर पता नहीं है लेकिन एल पता है, 14 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यही हमें फाइंड करना है, तो रेडियस ऑफ द बेस यहां हम निकालेंगे, ठीक है। 7 से पहले डिवाइड करो, 7 2 14, 2 से इसको डिवाइड करो, 154, और 22/7 154 होता है, तो R इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट कितना आया हमारा? 7 सेंटीमीटर।
सेकंड पार्ट में क्या पूछा है टीएस से, तो सेकंड पार्ट में टीएस से पूछा है और टीएस से क्या होता है पाई आर एल प्लस आर 22/7 आर कितना है बेटा 7 एल प्लस आर एल कितना है हमारा 14 प्लस आर कितना है 7 ठीक है ना 7 से 7 22 × 21 तो 42 × 11 कर देंगे क्योंकि 2 यहां से लिया और 21 × 42 11 का मैंने ट्रिक सिखाया तो यही 2 × 4 = 6 = 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। कोई प्रॉब्लम है यहां कुछ पूछना है यू गुड। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर फाइंड स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है सिमरन आप बताएं। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट एच इज एच कितना है 10 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है बेटा 24 कितना आएगा बताओ 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है देखो जब आप लोगों को स्क्वायर करना नहीं आता या याद नहीं है तो देखो ऐसे करते हैं 24 का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिखना है 4 × 4 = 16 1 कैरी फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है 2 × 4 = 8 2 × 16 1 कैरी था 17 फिर इसका स्क्वायर लिखना है 2 × 4 + 1 = 5 तो 576 अब ये टोटल ऐड होके हो गया 676 जो कि किसका होता है 26 का रूट करते हैं तो 26 आएगा समझ में आ गया तो ये क्या आया हमारा निकल के L क्या कैलकुलेट किया है L 26 मीटर ठीक है बेटा तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट और आगे के पार्ट में हम इसको यूज करने वाले हैं इसलिए हमने इसको एक साइड में लिख लिया है। सेकंड कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट देखो कैनवस जब भी टेंट का बनेगा तो टेंट जब बनाते हैं तो जमीन पे तो टेंट का कपड़ा नहीं लगाते टेंट का कपड़ा तो सिर्फ ऊपर टेंट में ही लगाते हैं तो इसलिए हमें जब टेंट के नीचे भी कपड़ा लगेगा जमीन पे तब टोटल सरफेस एरिया होता है लेकिन नीचे नहीं लगेगा तो टेंट और टेंट में लगेगा सिर्फ तो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया तो इट मींस वी नीड कर्व्ड सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं इनटू ठीक है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऐसे होता है ये आप यूज कर सकते हैं तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकाले कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर उसने दे रखी है 70 दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट द टोटल कॉस्ट कितने रुपए में वो बनेगा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है 70 इज योर टोटल कॉस्ट पाई है 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 24 इंटू एल कितना आया 26 इंटू 70 टोटल कॉस्ट। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना पहले पाई आर एल निकालते हैं क्या निकालते हैं वो किस में आएगा देखो 22/7 × 24 × 26 आएगा पॉइंट्स में और वहां से पूरी गड़बड़ शुरू होती है तो इसलिए आप लोगों ने सारी वैल्यूज को साथ में लिखना है पूरा कैलकुलेशन एक साथ लिखना है फिर उसको सोल्व करना है तो देखो 7 × 10 = 70 ये कट गया तो अब इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इस कैलकुलेशन को कर पाना तो यहां से टोटल कॉस्ट आप आराम से निकाल पाएंगे ठीक है कि नहीं है ठीक है तो इसमें से 2 ले लेता हूं 24 × 2 = 48 इसकी मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं 26 में ये हो गया किस किस की मल्टीप्लाई हो गई देखो यहां इस 26 की हो गई 48 की हो गई यहां 11 बचा है यहां 10 बचा है 10 बचा है तो उसको तो यहां 0 लगा दो 10 की मल्टीप्लाई हो गई 11 की मैट्रिक आप लोगों को सिखा चुका हूं फिर से देखो इसको एज इट इज लिखते हैं इसको इसमें ऐड करते हैं 088 फिर इसको ऐड करते हैं 8 × 4 = 12 फिर 4 × 2 = 6 and 1 = 7 फिर 2 × 1 = 3 आगे कुछ नहीं बचा तो 1 एज इट इज इतने रुपीज का खर्च आएगा 137,280 दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट क्लियर है
समझ में आ गया ना, तो एक साथ लिखेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन उससे जब हमारा 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसलिए 22/7 लिखना ज्यादा इजी है। 3.14 लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट्स में आएगा, फिर वो वैल्यू आपके लिए दिक्कत करेगी। व्हाट लेंथ ऑफ तारपीन 3 मीटर वाइड। देखो जैसे साड़ी होती है ना, साड़ी साड़ी को लेते हैं तो लेंथ नापते हैं खाली, है ना, विड्थ तो नहीं नापते। बट अगर उसका एरिया चाहिए तो लेंथ के साथ उसकी विड्थ की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए यहां अगर आपको लेंथ पूछा है और विड्थ दिया है तो विड्थ को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखेंगे, उसे नहीं यूज करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। अब एरिया देखेंगे हमें कर्व चाहिए कि टोटल चाहिए, वो हम देखेंगे। व्हाट लेंथ ऑफ टारपीन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। अब यहां हमें बनाना है कॉनिकल टेंट, टेंट बनाना है तो जमीन में तो कपड़ा नहीं लगाना है, तो क्लोज तो होगा नहीं टेंट, क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सीएसए चाहिए, सीएसए क्या होता है, पाई आर एल, और उसने कहा पाई 3.14 यूज करना है तो आपको यही यूज करना पड़ेगा अगर उसने बोला है तो, नहीं बोला है तो अलग बात है। ठीक है बेटा, 22/7, आर कितना है हमारा 6 और एल हमें नहीं दिया है। यहां देखिए हाइट दिया है एच, 8 दिया है, आर 6 दिया है, तो एल निकाल लेंगे। एल विल बी इक्वल्स टू जैस्मीन 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, ये कितना होता है 64 प्लस 36 रूट 100 दैट इज 10 मीटर। तो एल हो गया हमारा 10 मीटर। ठीक है ना बेटा, अब मैंने यहां पाई को लिख दिया 22/7, लेकिन मुझे क्या लिखना था 3.14, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3.14 इंटू 6 इंटू 10 ऐसे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 6 की मल्टीप्लाई कर दो 314 से, ठीक है 1884। यहां दो के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन एक जीरो से एक पॉइंट कट जाएगा तो सिर्फ एक के बाद पॉइंट लगेगा। दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या है बेटा, किसमें है, मीटर स्क्वायर में। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी जैसे मैंने बताया साड़ी होती है जैसे एक कपड़ा होता है, तो उसकी अगर लेंथ पता है तो उसकी ब्रेड्थ में मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल टू इट्स एरिया। तो ये जो एरिया है ये उस तारपीन के लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल है। समझ में आया लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों किया हमने, क्लियर हुआ? ठीक है ना, लेंथ हमें वो पूछ रहा है और विड्थ जो है ये विड्थ ये हमें दी हुई है, तो लेंथ इंटू 3 इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर। 3 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, 3 6 18, 3 2 6 3 8 24 मीटर, लेंथ है 62.8 मीटर। इतनी लेंथ हमारे पास है उस कपड़े की, लेकिन जो टोटल कपड़ा हमारे पास था उसमें से कुछ वेस्ट भी हुआ है, ऐसा वो आगे कह रहा है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेजेस इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हमारा वेस्ट हुआ है, लेकिन वो हुआ तो इसी कपड़े में से है ना, तो लेंथ उसमें 20 सेंटीमीटर और एड कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी उसकी। ये अभी टोटल लेंथ आई नहीं है, तो वो कितना है 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसे मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ मीटर में है, तो 20 / 100 इक्वल टू 0.2 मीटर। तो टोटल लेंथ हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2 दैट इज 63 मीटर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखो स्लेंट हाइट दे रखा है, मतलब ये आपका एल है, एंड बेस डायमीटर ये डायमीटर है, दिस इज डायमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। देखो
जब भी टोटल कॉस्ट निकालनी होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था टोटल कॉस्ट क्या होता है, एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है, लेकिन इसने कॉस्ट दी है पर हंड्रेड, क्या दी है पर हंड्रेड, तब उस केस में इस हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जब ये आपको पता होगा तब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, अगर ये नहीं पता है तो कंफ्यूज रहोगे। तो जब भी आपको ऐसे रेट देगा, रेट ऑफ दिस, जो रेट देगा उसकी मल्टीप्लाई होगी एरिया में, और पर जो भी पर के बाद की वैल्यू देगा उससे हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है। अब हमें एरिया चाहिए, तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एरिया कौन सा चाहिए, कर्व की टोटल, तो देखते हैं। ये है आपका कॉनिकल टोम्ब, तो इसमें भी नीचे से बंद नहीं है, खुला है, क्योंकि अंदर से व्हाइट वॉश कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया चलेगा, जो कि पाई आर एल होता है, उसने पाई की कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए 22/7, आर कितना है बेटा 14/2, क्योंकि ये डायमीटर है, एल कितना है 25, ये क्या आएगा एरिया, क्या आएगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया है भैया। टोटल कॉस्ट चाहिए तो सब कुछ एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 22/7, 14/2 इंटू 25, दिस इज एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी है लिख दो, दैट इज 210 अपॉन में 100 भी कर दो, तो टोटल कॉस्ट एक ही लाइन में इक्वेशन में आ जाएगी, जिसमें सबसे कम मिस्टेक होती है। समझ में आ रहा है, 2 7 14, 7 से 7 चला जाएगा, यहां आपकी एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 5 25, 5 2 10, 2 से ये 11, 21 5 105 इंटू 11 करेंगे तो इतने रुपए लगेंगे, 1155 रुपीज। बात समझ में आ गई, ऐसे सोल्व करेंगे। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन और बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना दे रखा है बेटा 7 सेंटीमीटर, क्या है आपके पास जोकर्स कैप है जो कि कॉन के फॉर्म में है, तो नीचे से क्या है खुली है, तो क्या चाहिएगा कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल नहीं चाहिए। एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, हाइट भी दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, तो एक का एरिया निकालो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया कौन सा निकालोगे आप बताओ, एरिया कौन सा निकालोगे सी एस से, वेरी गुड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर, कितना है 7, और एल, एल है नहीं हमारे पास तो इसलिए पहले एल निकालेंगे, एल क्या होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच कितना है बेटा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 दैट इज 625, किसका होता है 25 का, ठीक है ना। तो यहां पाई आर एल हो गया 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब यहां कितना हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपने एकदम से कैसे कैलकुलेट कर दिया, माइंड में आया होगा मैंने यहां से 2 लिया, 2 इंटू 25 कितना हो गया 50, यहां क्या बचा था 11, 11 5 जा 55, 0 तो था ही मेरे पास, समझ में आ गया। अब उसने पूछा है 10 सीट 10 कैप के लिए, ये है 1 कैप के लिए कर्व सरफेस एरिया, सी एस से फॉर 10 कैप्स क्या हो जाएगा बेटा इसका 10 टाइम्स, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आपको रिक्वायर्ड है जब 10 कैप बनाओगे, ठीक है। अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स, हमने कितने कॉन्स यूज करने हैं 50 होलो कॉन्स यूज करने, जैसे रखते हैं ना बैरिकेडेड करते हैं पुलिस वाले रखते हैं हमारी सोसाइटी में तो लगे रहते हैं ना वो जगह जगह पे, तो वही वाले हैं। तो 50 होलो कॉन्स लिए, तो कौन है नीचे से खाली रहता है ना वो, तो वही है, ठीक है। तो फिर हमें किसकी बात करनी पड़ेगी कर्व सरफेस एरिया की, जो खाली रहता है वो होते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ
40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 40 बाई 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। अब देखो हाइट है 1 मीटर, हाइट कितना है 1 मीटर है। अब मुझे बस एक बात बताओ, आप लोग इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे? वो पता है कहां से पता चलेगा, यहां से देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, तो पैसे किसके हिसाब से देने हैं मीटर स्क्वायर के, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करेंगे तो पहले रेडियस को चेंज करेंगे, रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो 20 बाई 100, 25 से 100 दैट इज 1/5 मीटर। अब इसको ना पॉइंट में नहीं लाना, 0.2 नहीं करना, 1/5 करना है, याद रखना बस ये चीजें चेंज करनी है सब बच्चों से अलग, ठीक है। हाइट कितना हो गया 1 मीटर। अब आपसे पूछा है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, पाई 3.14 लेना है। और अब देखो, अब हमें पाई आर एल चाहिए, कर्व सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल, तो एल है नहीं, एल निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच कितना है बेटा हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस h। अब h 1.1/5 है या 0.2 है, अब क्यों 0.2 क्यों लेना पड़ेगा सर, आप तो मना कर रहे थे बेटा। अब अगर यहां निकालना है तो उसने कहा है रूट 1.04 की वैल्यू दे रखी है इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन होती तो जरूरत नहीं थी। तो ये कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस 0.04 दैट इज अंडर रूट 1.04 जिसकी उसने वैल्यू दी है 1.02, एल आ गया हमारा, क्या आ गया ये एल आ गया। अब आप पाई आर एल लगा के और उसमें 50 की मल्टीप्लाई ये करना और 12 की ये, तब आएगी टोटल कॉस्ट। क्यों अभी देखो एल की वैल्यू आ गई तो पाई आर एल लगाए, पाई कितना है बेटा 3.14, आर कितना है हमारा 0.2, एल कितना आया अभी 1.02, ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितने का 1 का है, कितने सिलेंडर वो कितने कौन है 50, तो इनटू 50 कर दो तो हो गया टोटल एरिया इन सारे कोन्स का। अब कॉस्ट है 12 पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में आया, अब कॉस्ट चाहिए तो इनटू 12 कर दो तो आपका टोटल आंसर आएगा 3.14 इनटू 0.2 इनटू 1.02 इनटू 50 इनटू 12, ठीक है। तो इतने रुपए लगेंगे आपको इसको टोटल करने में, कर पाएंगे, कर पाएंगे आप लोग? तो इसको करके देखे कैसे करेंगे, अभी मैं मल्टीप्लाई करूं या आप लोग करेंगे, जल्दी बताएं, मैं मल्टीप्लाई करूं आप लोग करोगे, आप लोग करेंगे तो आंसर कमेंट करना आप लोग करके क्या आंसर आएगा सारे की मल्टीप्लाई करके। चलो मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, थैंक यू।